हेलो दोस्तों, आप लोगों को फ्री फायर के अंदर कुछ येलो कलर का कार्ड दिखाई देगा, ये दरअसल यूनिवर्सल फ्रेगमेंट है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यूनिवर्सल फ्रेगमेंट कैसे यूज किया जाता है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहना और ऐसे ही फ्री फायर रिलेटेड वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग कैरेक्टर पर क्लिक करना है, इसके बाद आप लोग को लेवल अप पे क्लिक कर देना है। तो लेवल अप पे क्लिक करने आप लोग को यहाँ पे जो है यूनिवर्सल फिगमेंट देखने को मिल जाएगा। तो यूनिवर्सल फिगमेंट क्या है, तो आप सभी लोगों को पता है कि किसी भी कैरेक्टर का लेवल इंक्रीज करने के लिए या फिर लेवल 4 से 5 जाने के लिए आप लोग को मेमोरी फिगमेंट जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो लेकिन जब मेमोरी फिगमेंट खत्म हो जाता है तब हम लोग को क्या है कि यूनिवर्सल फिगमेंट जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो यूनिवर्सल फिगमेंट को हम यूज करके आप किसी भी कैरेक्टर का जो है मेमोरी फिगमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। रुको जरा, सबर करो। सबसे पहले हम लोग एक कैरेक्टर लेंगे जिसका लेवल मैक्स नहीं है, क्योंकि जैसे ही लेवल मैक्स पे क्लिक करेंगे तो वो नहीं है, इसलिए हम मैक्सिम कैरेक्टर लेंगे क्योंकि इसका लेवल मैक्स नहीं है। इसका हम लोग लेवल अप पे क्लिक कर देंगे। तो मेरा मैक्सिम जो है लेवल 5 पे है और लेवल 5 से लेवल 6 जाने के लिए 5000 मेमोरी फिगमेंट की जरूरत है, लेकिन मेरे पास है 4699 मेमोरी फिगमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5000 माइनस 4699 इक्वल टू 301 मेमोरी फिगमेंट, ठीक है। हम लोग को 301 मेमोरी फिगमेंट का जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लोग का यूनिवर्सल फिगमेंट काम आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास 1809 यूनिवर्सल फिगमेंट है, ठीक है। तो हमको चाहिए 301 मैक्सिम मेमोरी फिगमेंट जो कि हम यूनिवर्सल फिगमेंट से कन्वर्ट कर लेंगे। इसके बाद हम लेवल अप पे क्लिक करेंगे। तो लेवल अप पे क्लिक के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सफिशियंट यूनिवर्सल फिगमेंट लिखा है, इसका मतलब हम यूनिवर्सल फिगमेंट यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लेवल अप पे क्लिक कर देंगे। आप देख सकते हैं हमारा जो है मैक्सिम यहाँ पे लेवल 6 पे पहुंच गया है, जो कि लेवल मैक्स हो चुका है, ठीक है। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो है यूनिवर्सल फिगमेंट घट गया है। तो पहले हम लोग का यूनिवर्सल फिगमेंट था 1809 माइनस 301, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रह गया है 1508। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो है यूनिवर्सल फिगमेंट घट के 1508 हो गया है। यहाँ पे हम लोग और एक करेक्टर लेंगे स्काइलर। तो यहाँ पे लेवल अप पे क्लिक करेंगे। तो लेवल 4 से लेवल 5 जाने के लिए 2500 चाहिए, तो हमारे पास से 515 और बाकी यूनिवर्सल फिगमेंट से ले लेंगे। तो हम लोग लेवल अप पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे लेवल अप पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं सीधा टॉप अप पे चला जाता है, मतलब लेवल अप करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे डायमंड यूज करना होगा। तो इसका कारण क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लेवल 4 से लेवल 5 जाने के लिए हम लोग को चाहिए 2500 मेमोरी फिगमेंट, लेकिन मेरे पास है 515 मेमोरी फिगमेंट, ठीक है। इसके बाद अगर हम यूनिवर्सल फिगमेंट ऐड करेंगे तो हम लोग को होता है 2023, ठीक है। इसका मतलब 2500 अभी भी नहीं हुआ। इसके बाद हम लोग को 477 और यूनिवर्सल फिगमेंट चाहिए, तभी जाके 2500 होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लेवल अप डायमंड से दिखा रहा है, क्योंकि हमारे पास जो है यूनिवर्सल फिगमेंट बहुत ही कम है, हमारे पास जो यूनिवर्सल फिगमेंट वो कम है, इसलिए यह डायमंड से दिखा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेमोरी फिगमेंट प्लस यूनिवर्सल फिगमेंट दोनों मिलाकर 2500 नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यही कारण है कि हम लोग का यहाँ पे जो है लेवल अप डायमंड से दिखा रहा है। इसके बाद हम लोग और एक कैरेक्टर लेंगे, जैसे कि हुकोंग हो गया। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि 5000 चाहिए, तो ये दोनों मिलाकर भी 5000 नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे लेवल अप डायमंड से दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1088 मोर यूनिवर्सल फ्रीक्वेंट। तो इसके बाद और एक ये वाला डिमिट्री कैरेक्टर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे लेवल अप पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सफिशियंट यूनिवर्सल फ्रीक्वेंट, इसका मतलब मेमोरी फिगमेंट और यूनिवर्सल फिगमेंट दोनों मिलाकर यहाँ पे जो है 1500 हो जाता है, इसलिए यहाँ पे सफिशियंट यूनिवर्सल फिगमेंट, इसका मतलब यहाँ पे मैं यूनिवर्सल फिगमेंट यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये वाला यूनिवर्सल फिगमेंट आप किसी भी करेक्टर में यूज कर सकते हैं, ये नहीं मैंने मैक्सिम यूज किया या फिर डिमिट्री, ये नहीं, आप किसी भी करेक्टर में यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यही यूनिवर्सल फिगमेंट का काम है, ठीक है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया है यूनिवर्सल फिगमेंट कैसे यूज किया जाता है। कॉमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोग को यूनिवर्सल फिगमेंट समझ में आया कि नहीं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय और अपना ख्याल रखना। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक या इंस्टाग्राम में देखना चाहते हो तो नीचे गए डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। अगर आप इस ऐसे ही फ्री फायर इवेंट और टिप और टिप्स के बारे में जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में बताना किस तुम्हें वीडियो चाहते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और अपना ख्याल।